राकेश मिश्रा बन गए हैं पवन सिंह के बहुत बड़े दुश्मन। जी हाँ, राकेश मिश्रा और पवन सिंह के जो दोस्ती के चर्चे हैं, जो कि राकेश मिश्रा कई दफ़ा कर चुके हैं कि पवन सिंह उनके गुरु हैं, बहुत कुछ सीखा है उनसे मैंने, अचानक से इन दोनों के बीच दरार कहाँ से आ गई। राकेश मिश्रा लाइव आते हैं और बगैर पवन सिंह का नाम लिए उन्हें बहुत कुछ कहते हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कह देते हैं कि वो इतने प्रेशर में आ चुके थे कि वो आत्महत्या तक करना चाहते थे। लेकिन फिर अचानक से जिस तरह से जनता ने उनके गाने को प्यार दिया है, उस कारण वो अब जनता के बीच में हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। आप सभी ये जानना चाहते होंगे कि क्यों राकेश मिश्रा इस तरह से बातें कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर। तो आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर वो इसलिए बातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ कहा कि मेरे पीछे मेरे गानों को लेकर खिलवाड़ किया जाता है, साजिश की जाती है, मेरे पीछे बातें की जाती है, मेरी कामयाबी से लोग जल रहे हैं, इवन हवन तक कर रहे हैं कि मेरा गाना आगे न चले। लेकिन जनता न जनार्दन सब जानती है और आज मेरा गाना पब्लिक को पसंद आ रहा है, तो लोगों की जान, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने पवन सिंह के लिए कहा, पवन सिंह का नाम लिए बगैर कहा, और ये भी कहा कि लोग उनकी कामयाबी से जलते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह और राकेश मिश्रा की कभी दोस्ती इस कदर हुआ करती थी, पवन सिंह को अपना बड़ा भाई, अपना गुरु, इवन मलेशिया वाले अवार्ड शो में तो पवन सिंह के साथ उन्होंने अपना रूम भी शेयर किया था। जी हाँ, पवन सिंह के रूम में ही वो रहा करते थे राकेश मिश्रा, और उनसे ही वो गायकी के गुण सीखा करते थे। लेकिन अचानक से, जी हाँ अचानक से, इन दोनों के बीच गलतफहमियों के बाजार ने जो जगह बनाई है, ये उन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है। अदरवाइज राकेश मिश्रा के साथ कभी काम न करने वाली अक्षरा सिंह क्यों आती राकेश मिश्रा के सपोर्ट में। जी हाँ, आपने देखा कि अक्षरा सिंह लाइव आकर राकेश मिश्रा को सपोर्ट करती हैं और ये कहती हैं कि अच्छा लगता है जब उनका ही कोई सह कलाकार इतना आगे बढ़ता है। क्यों, राकेश मिश्रा के अलावा रितेश पांडे को भी उन्होंने ऐसी बधाई न दी, ना ही उन्होंने अरविंद अकेला कल्लू को भी ऐसी बधाई दी, क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू के कई गाने 50 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये बधाई किसी ऐसे सिंगर को बिल्कुल भी नहीं दी जिसके गाने 50 to 60 मिलियन पहुँच चुके हैं। भोजपुरी में ऐसे कई सिंगर हैं, लेकिन क्यों सिर्फ उन्होंने राकेश मिश्रा को बधाई दी, सोचिए। क्योंकि राकेश मिश्रा ने ये सारी कुछ बातें पवन सिंह को लेकर कही हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।